एक કલાકની જર્ની પછી અમે પહોંચી ગયા છે ફતેપુર સિકરી। મસ્ત મજાનો વાતાવરણ છે, ફરવા માટેનો ઉત્તમ સમય છે। બિલકુલ વાદળા છે, સનલાઇટ નથી, એટલે ફરવાની પણ બહુ મજા આવશે। આજુબાજુ ઝાડવાઓ બહુ છે, ગ્રીનરી ફૂલ ચાલે છે। લોકેશન સારું છે, સાર્થક ભાઈ ને નવા ચશ્મા લઈ આપ્યા છે। નવા ચશ્મા, વાહ, લાલ કલર। કાના ભાઈ ભાઈ મામા એ લઈ જવાના છે, તમે જાઓ। મજાનું લોકેશન, સાથે થોડી વાદળા છે એટલે થોડી ગરમીનો પણ અહેસાસ થાય છે। મુગલ એમ્પરર અકબર દિલ્હી સલ્તનત કો શાસન કર રહે થે, ઓર યે દિલ્હી સલ્તનત કે અંદર મેં થાય પૂરા। ઓર યહાં એક છોટા સા પ્લેસ થા ગાંવ, ગાંવ મેં જો લોગ રહેતે થે વો સિકરી ગાંવ મેં રહેતે થે, ઓર સ્ટોન કે કારીગર થે, રેડ સ્ટોન। યે પૂરા જો કેમ્પસ બનાયા હૈ ઇસકો અરાવલી હિલ કે ઉપર બનાયા હૈ। બકરી જા, બકરી જા, અરાવલી હિલ બોલતે હૈ। ઓર યહાં ગાંવ કા સિકરી છોટા સા ગાંવ, અટલે મેં જા, હા તો મેં જો જાની છે બસ। और यहाँ पर एक पीर बाबा रहते थे संत, जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। वो अपना कॉटेज डालकर उसके पहाड़ी के बैक साइड में गांव है, और ये पहाड़ी पर रहते थे, अलग गांव के लोगों से अलग रहते थे कॉटेज डालकर संत। और यहाँ उनको इनको एडवाइस दिया गया, क्योंकि उनकी तीन क्वीन थी, तीनों के कोई संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी, काफ़ी परेशान थे, सब कुछ होने के बाद कोई संतान नहीं थी। इनको एडवाइस दिया गया कि आप सिकरी गांव जाइए, वहां आपको एक संत मिलेंगे, उनसे प्रार्थना करिए, जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो किंग भाई बॉब पैदल चलकर अजमेर से अपनी फोर्स के साथ में इधर आए और संत से प्रार्थना किया, संत ने उनको आशीर्वाद दिया। तो उनकी एक क्वीन थी जोधा, जोधा से एक बच्चा हुआ, बच्चे का नाम पीर बाबा के ऊपर रख दिया सलीम। सलीम जब बड़े हुए तो जहांगीर के नाम से जानने लगे, जहांगीर के नाम से शासन किया। और यहाँ आने के बाद में बाबा के आशीर्वाद से किंग को और फाइट जीतने के लिए मिला, ऐसे गुजरात की फाइट जीती उन्होंने। गुजरात विक्ट्री के बाद में उन्होंने यहाँ एशिया का सबसे बड़ा गेट बनवाया, बुलंद दरवाज़ा, अभी वो देखेंगे। तो इस शहर का नाम रख दिया फतेह, फतेह मिस होता है विक्ट्री जीतना, इसका ओल्ड नेम था सिकरी, तो पूरा नाम आज है फतेहपुर सिकरी। पहला हम देख रहे हैं सिकरी पार्ट, देख रहे हैं सिकरी में राजा का रेजिडेंस बना हुआ है, यहाँ राजा के महल देखेंगे, और सेकेंड में होली पैलेस बना हुआ है। सिकरी का पहला जो पॉइंट देख रहे हैं इसको बोलते हैं दीवाने आम, दीवाने आम उनका पब्लिक मीटिंग हॉल, पब्लिक के साथ में मीटिंग करते थे। इस साइड में किंग का चैम्बर बना हुआ है, यहाँ किंग बैठा करते थे, साइड में पब्लिक बैठा करते थे। की सिस्टम से उनके पास आते थे अपनी फरियाद लेकर, जो दोषी लोग होते थे उनको पनिशमेंट दिया जाता था। पनिशमेंट देने के लिए उनके पास एक एलिफेंट था, एलिफेंट अपना पैर घर पे कुचल के मार दिया करता था दोषी लोगों को। एलिफेंट को इस ग्राउंड में बांधा जाता था, रेड रिंग लगा हुआ है ग्राउंड में, जमीन पर स्टोन का रिंग लगा हुआ है, यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा, उधर से दिखाई देगा। तो यहाँ पनिशमेंट दिया जाता था, और ये ऊपर जो रिंग लगा हुआ ना, पहले लाइट नहीं होती थी, लैंप लगा हुआ लाइट के लिए। किंग नेवर किंग इन सम क्लियर सर, यहाँ हिस्ट्री समझ में आया आपको, अब हर पॉइंट से आपको समझाते हुए चलेंगे। ये कॉमन हिस्ट्री था, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
उठता था, इसलिए दीवाने खास बोलते हैं, खास लोगों के साथ मीटिंग दीवाने खास। और यहाँ से उन्होंने एक अपना रिलीजन स्टार्ट किया था, दीन इलाही। दीन इलाही को जो सबसे पहले फॉलो किया था वो बीरबल ने फॉलो किया था, उनके खास प्रधान मिनिस्टर थे बीरबल। और बाहर से दिख रहा है हमको डबल स्टोरी दिख रहा है, वन स्टोरी महल है। और अंदर जो देखेंगे इसमें यहाँ सभी धर्म location is very pretty. और साइड में देख रहे हैं, इस साइड में एक्सप्लोजर सीट है, जो किससे बैठा करते थे अकबर के पंडित जी इधर, जब वो कहीं फाइट में आते थे हिंदू एक्सप्लोजर बिलीव करते थे, पंडित से पूछने के बाद में तब वो जाया करते थे फाइट पे। इनके पंडित जी का नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। और सामने इस साइड में देखें, ये गेट दिख रहा है हमको, अभी अकबर का चैम्बर देखा था। अकबर जब किंग पब्लिक मीटिंग में जाया करते थे वो अपने इस साइड वीआईपी गेट था इनका इस साइड से। और ये अभी आप ये गेट ये देख रहे हैं, पांच फाइव स्टोरी पैलेस देख रहे हैं, इसको पंचमहल बोलते हैं, पांच मंजिला इमारत है। ये टोटल पिलर्स पर है, इसका बनाने का पर्पज ये था, हवा के पर्पज से हवा महल बोलते हैं इसको। सेकंड पर्पज ये था, जो हिंदू क्वीन थी वो अपना करवा चौथ का चांद देखती थी टॉप से, और मुस्लिम ईद का चांद। और इस साइड में ये देख रहे हैं पिलर्स वाला एरिया, ऊपर रूम बना हुआ है, ये यहाँ मदरसा चलता था, जो हरम में बच्चे होते थे उनके लिए मदरसा चलता था स्कूल, हराम में सुन रहे हो रॉयल पैलेस। उनके म्यूजिक डायरेक्टर थे संगीत का, और इसी स्टेज पर बैठकर अपना दिल पर ग्राहक गाया करते थे। ये पॉइंट आपने शाहरुख खान का मूवी परदेश मूवी में भी देखा होगा, यहाँ पर एक गाना होता नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार, ये पॉइंट गाना शाहरुख खान का यहाँ का ही है। और वाटर टैंक भरने का कारण था इको साउंड के लिए, पहले लाउड स्पीकर नहीं होता था, तेज आवाज गूंजे, ये वाटर टैंक इसलिए बनाया गया है यहाँ पर। और इसी पॉइंट पे एक उनका कंपटीशन भी हुआ था, तानसेन और बैजू बावरा। और ये प्लट्स वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ किंग अपनी फैमिली और रिलेटिव लोगों के साथ में बैठ कर उनका म्यूजिक सुना करते थे। ऊपर बेडरूम बना हुआ है किंग का, दो बेडरूम बने हुए हैं, समर और विंटर। नीचे जो बेडरूम है वो समर पैलेस है, ऊपर विंटर पैलेस है। और इस कॉर्नर पे जो रूम बना हुआ है, ये फर्स्ट क्वीन थी उनकी रुकैया, रुकैया टर्की की रहने वाली थी, इसलिए टर्की सुल्ताना बोलते थे। इस महल को बोलते हैं सीस महल। अंदर इसमें ग्लासेस लगे हुए थे, बॉक्स बॉक्स बने हुए हैं, सारे बॉक्स में ग्लासेस होते थे, जब क्वीन आए तो चारों ओर से पिक देख सके। और सबसे ज़्यादा कॉस्टली था, सबसे ज़्यादा स्मॉल है लेकिन सबसे ज़्यादा कॉस्टली था ये। इसका रीज़न ये था, अंदर पूरे में डायमंड लगे हुए थे इसमें। एक बार देख लेते हैं बाहर से, इसकी नक्काशी दिख ही रहा है कि सबसे ज़्यादा नक्काशी इस महल पर है, हैंडवर्क यहाँ के जो कारीगर लोगों ने स्टोन का, और टोटल हैंडवर्क बाहर आया यहाँ पर स्टोन पर। देख लेते हैं, क्वीन आए चारों ओर से अपना पिक देख सके। और अभी हम नेक्स्ट जो पॉइंट पे चल रहे हैं, बेडरूम पे चल रहे हैं, किंग का बेडरूम देखेंगे, उसको बोलते हैं ख्वाब घर। दो पार्ट में बनाया है, समर विंटर, पहला पार्ट देख रहे हैं, समर पार्ट देख रहे हैं, अभी विंटर पार्ट ऊपर से बाहर से देखा था हमने। और ये स्टोन का जो बेड है, स्टील का बेड है, इसकी हाइट का पर्पज है सिक्योरिटी पर्पज, जब कोई आए तो एकदम अटैक नहीं कर सकता, जैसे कि हमारा हैंड नहीं हो सकता। और ये तीन क्वीन थी उनकी, तीनों क्वीन के लिए अलग अलग गेट होते थे आने के, जैसे फर्स्ट गेट इस साइड में दिख रहा है एंड सेकेंड एंड थर्ड, जब इसकी वजह से लॉक किया साइड में। इस पूरे पार्ट को बोलते हैं फॉग वॉक। नीचे होता था रोज वाटर, ठंडा रहे। दूसरा रीजन ये था, जब कोई बाहरी पर्सन आए साउंड हो जाए। पॉइंट के बारे में आपको बता रहा हूँ, सामने हम जो पॉइंट जो देख रहे हैं, जोधा का किचन है, जोधा वेजिटेरियन थी, शुद्ध शाकाहारी, राजस्थान से लॉर्ड कृष्णा की भक्त थी, तो अलग उनका किचन था। और किचन पे जो डिजाइन देख रहे हैं विंडो से ऊपर हेयर इनका, ये इसलिए होता था जो सर्वेंट अच्छा खाना बनाती थी जोधा महारानी के लिए, उनको यहाँ बुलाकर डिजाइन चॉइस करवाकर उनको गोल्ड का झूमर बनाकर दिया जाता था जोधा महारानी की साइड से। अगर आप लोग अगर अपने सर्वेंट को देना चाहते हैं, यहाँ से फोटो ले जा सकते हैं, डिजाइन ले सकते हैं अपने लिए।
बराबर आपने मोटा मोटा रखा हाँ जी बराबर इसको मरियम पैलेस बोलते हैं। ये सिंपल महल बना हुआ है, इसको पहले पेंट से सजाया गया था, सुनहरा महल भी बोलते हैं इसको। और इस साइड में हम देख रहे हैं अभी अंदर चलेंगे उसमें जोधा पैलेस, यहाँ सबसे बिग पैलेस जो बना हुआ है जोधा पैलेस बना हुआ है। लुक लाइक इट एज ए हवेली, राजस्थान में जो हवेली होता है ना उस टाइप से बनाया, जैसे घरों का दिख रहा है हमको दोनों गेट पे। और इसका जो गेट है वो एल टाइप से दिया गया है, एल टाइप से इसलिए कि डायरेक्टली जो महल की जो हरम है, मेन हरम बोलते हैं उसको, जो बांधी भी रहती थी पूरा हरम सराय, तो डायरेक्टली बाहर के पर्सन को अंदर का पार्ट ना देखे इसलिए दिया गया है एल टाइप से। और इसी में अंदर जोधा का टेम्पल देखेंगे, राधा कृष्ण का मूर्ति होता था यहाँ पूजा करते थे, और तुलसी का पौधा यहाँ लगाया जाता था वो भी पॉइंट देखेंगे। समर विंटर पैलेस जोधा का देखेंगे, और सर्वेंट क्वार्टर जो बांधियों के क्वार्टर है वो इसी पॉइंट में देखेंगे। आइए पैलेस में एंटर हो चुके, बिग पार्ट बना हुआ है। जोधा राजपूत थी, राजपूताना अंदाज से पूरे महल को बनाया गया है, जो कि राजपूत लोगों को बिग पसंद था। पूरा हवेली टाइप से ये महल है, और यहाँ जोधा के लिए दो क्वार्टर हैं, समर और विंटर। ये ऊपर जो क्वार्टर देख रहे हैं ना, ये समर साइड है, जो कि इधर जो रूम बना हुआ है वो जाली वाला रूम बना हुआ है, ठंडी हवा आती थी, बैक साइड से झील थी तो ठंडी हवा आती थी। इधर का जो रूम बना है ऊपर का, ये पूरा बैक पार्ट है, सर्दी में इधर रहती थी सिक्स मंथ इधर जोधा। और नीचे जितना भी हम क्वार्टर देख रहे हैं सर्वेंट क्वार्टर है, बांधी जो लोग होती थी उनके क्वार्टर बने हुए हैं। कॉर्नर पे ये चार कॉर्नर है, चार कॉर्नर पे इस तरह के रूम बने हुए हैं, ये सिक्योरिटी रूम होते थे। सिक्योरिटी में जेंट्स को अलाउड नहीं था, कितना लोग होते थे ट्रांसजेंडर सिक्योरिटी में। सामने उनका राधा कृष्ण का टेम्पल बना हुआ है, राधा कृष्ण के टेम्पल में वहाँ पूजा करने के बाद में यहाँ तुलसी का पौधा होता था, जैसे सुबह मॉर्निंग पे जल चढ़ाती थी जोधा भाई। और देखिए यहाँ का मैं आपको आर्किटेक्ट बताऊँ, हिंदू आर्किटेक्ट दिखेगा, जैसे कि आप पिलर पे देख रहे हैं, देखिए सबसे टॉप पे डिजाइन देखा बेल का, जंजीर में लगा हुआ है जो बेल दिख रहा है ना पिलर पर, क्लियर सभी को दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, पास से दिखा सकता हूँ। उसके नीचे देखेंगे चक्र का डिजाइन दिख रहा है, इसके नीचे देखेंगे त्रिशूल, उसके नीचे देखेंगे फिर दीपक, उसके नीचे देखेंगे टॉम पे कलश होता है, कलश का डिजाइन, पूरा हिंदू डिजाइन होगा इस महल का। तो आप टेम्पल देख के आइए, मैं 2 मिनट इधर आपका वेट करता हूँ, टेम्पल में डिजाइन यही होगा।